देखिए पे कंपनी आने वाली नहीं है, कंपनी बहुत पहले से चल रही है, उसका नाम है आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जिसको लोग बोलते हैं रामचंद्र रोंगटा की कंपनी, रोंगटा फैक्ट्री। वो फैक्ट्री जो है जहरीला प्रदूषण फैलाता है और पूरे इलाके में जो क्षेत्र है, जो प्रभावित क्षेत्र है ज़्यादा से ज़्यादा, वो बूढ़ा खाप और कर्मा के क्षेत्र पूरे प्रभावित है। और उस प्रदूषण से एक बच्चे की कैंसर से मौत भी हो चुकी है और और क्या बोल रही है, बच्चा जो रहता है ना जो गर्भ में ही मर जाता है बच्चा, और डॉक्टर अगर बच्चा ठीक भी रहता है जन्म भी ले लेता है तो बाद में डॉक्टर के पास पूछने से पता चलता है कि ये ना ये प्रदूषण के कारण हो रहा है, आप लोग गांव चेंज कीजिए, तो गांव चेंज करके आदमी जाएगा कहाँ। अच्छा, आप लोग स्थानीय विधायक से मुलाकात किए थे इस समस्या को लेकर? वो वोट के वक्त आते हैं, बाकी जब वोट हो जाता है खत्म हो जाता है तो उनको आने का मन नहीं करता है, ना ही उनको मतलब होता है, क्योंकि उनको जो चाहिए उनको मिल जाता है तो, और फिर उनको क्या जरूरत है कि कौन जनता क्या कर रहा है, मर रहा है जी रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि बात यहाँ है ना कि रोंगटा फैक्ट्री से सारे पक्ष और विपक्ष, जो भी विधायक है या फिर मतलब क्या बोलिएगा, हजारीबाग जिले और रामगढ़ जिले में जितने भी विधायक हैं सबको रोंगटा फैक्ट्री से कमीशन जाता है कि उस फैक्ट्री के खिलाफ ना बोले, सदन में आवाज ना उठाए, तो वो लोग क्या बोलेगा। विधायक सारे बिके हुए हैं, प्रशासन वहाँ का, यहाँ तक बोलिए एसपी डीसी भी जो जाते हैं ना, वहाँ मोटे रकमों के साथ उन लोग का तय किया जाता है और ग्रामीणों का जो शोषण हो रहा है उसका आवाज़ वहाँ के एसपी डीसी एसडीओ जो भी है बीडीओसीओ थाना प्रभारी कोई नहीं उठाता है। इसलिए मतलब दिन प्रतिदिन पिछले हमारे इस आंदोलन से, प्रदूषण खिलाफ के आंदोलन से हमारे कई साथी जेल में भी हैं, उनको अगर आप कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई अलग अलग धाराएं में फंसा कर जेल भेज देगा, लेकिन ग्रामीण अभी तक डरे नहीं और लगातार डटे हैं और कंपनी के विरोध आंदोलन कर रहे हैं। कंपनी वहाँ पे स्थापित है करीब 2004 से ये कंपनी चल रही है, उसके बाद आप लोग सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, आंदोलन दिन प्रतिदिन आंदोलन हो रहा है लेकिन इसका सुनवाई नहीं हो रहा। बोलिए तो कंपनी को सीधा सीधा सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और इसी के वजह से हमारे फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो रहे हैं। जयराम महतो भी आप लोगों के साथ आए हैं, क्या लगता है कितना असर होगा आप लोगों की जो समस्या है उसका निदान कितना हद तक हो जाएगा? देखिए जयराम दा हमारे साथ है, कहीं ना कहीं अभी तीसरे मोर्चे की ओर पूरा झारखंड झुक रहा है, तीस से आने वाले जो राजनीतिक दल है ना जो पूर्व में अभी शासित हो चुके हैं, उन राजनीतिक दलों का जो उनका जो दिल है ना वही बता रहा होगा कि दुख दुखी कर रहा होगा कि क्या होगा, जनता किसके तरफ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो तीसरे मोर्चे की विकल्प है, लोग हमारे साथ समर्थन कर रहे हैं और हमारे साथ लगातार जयराम दा बने हुए हैं, तो हम लोगों को और बूढ़ा खाप निवासी, रामगढ़ निवासी या फिर पूरे झारखंड के वासियों को हिम्मत मिल रहा है। जल जंगल जमीन को बचाने की आप लोगों की लड़ाई सदियों से चली आ रही है, एक बार फिर से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है और आगे किस तरीके से अपनी आवाज़ को रखिएगा आप लोग? मामला यही है मैम कि जो जल जंगल जमीन का सरकार है, जो संविधान को चलाता है, वो सरकार खुद आर्टिकल 21 का उल्लंघन करने में सहयोग कर रहा है। आर्टिकल 21 कहता है सबको जीने का अधिकार है, लेकिन यही सरकार फैक्ट्री वालों को, पूंजीपतियों को सहयोग कर करके और आम पब्लिक को मारने का काम कर रहे हैं। कह सकते हैं रामचंद्र रोंगटा इनडायरेक्ट एक हथियारा है, इनडायरेक्ट, क्योंकि उनके फैक्ट्री के माध्यम से लोगों का जान जा रहा है, तो इसको हम एक हत्यारा का कह सकते हैं। तो वही अपने जान को बचाने को लेकर के दो दिवस से जो पदयात्रा था और पदयात्रा के बाद महामहिम राज्यपाल से भेंट कर करके और अपनी समस्याओं से अवगत कराना था, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप लोगों का कहना है कि जो रामचंद्र रोंगटा है उनकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है, आप भी ये मानते हैं? जी मानते हैं, बहुत लोगों की जा रही है जान। एक बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई? हाँ, एक बच्चे की कैंसर से मौत हो गई, दो चार ऐसे बच्चे हैं जो आँख में उनको उसका कंकड़ घुसता है तो वो सब भी ग्रसित है, डायरेक्ट डॉक्टर से मिलने जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि नहीं तो आप लोग को उस जगह को छोड़ना होगा, तो गरीब आदमी की छोड़ नहीं सकता है, किसी तरह वहाँ जीता खाता है तो कैसे छोड़ सकता है। आप लोगों का गांव प्रदूषित होता जा रहा है, ये आप लोगों का कहना है? जी मैडम, उसमें 10 गांव के करीबन जो जमीन है, जो खेती होती थी उसमें लाल पानी और उसका जो पॉल्यूशन है उससे बंजर हो चुकी है, और वहाँ के एक बच्चा नीरज जो 8 साल का था वो कैंसर से मर चुका है, और 3 बच्चे, दो उसमें से दो लड़के हैं एक बच्ची है,
और वो लोग लगभग का उन लोग का उम्र 5 से 8 के बीच है, वो लोग भी कैंसर से पीड़ित है, उनके आंखें खराब हो रही, इतना तक कि वहाँ के लगभग बच्चे का आंखें खराब हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं वो लोग क्योंकि वो गरीब गांव के रूप में आती है तो इलाज करा सक्षम नहीं है इलाज करा सके। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद है, अभी तक लगभग 5 साल से आंदोलन चल रही है, हमेशा वो लोग अभी तक देखने तक नहीं आए। आप लोगों को भी ऐसा लगता है, पदयात्रा कर आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं ना? हम लोग तो वहाँ पूरे से नहीं आए हैं, लेकिन 20 रास्ता से हम लोग भी साथ दिए हैं, जो कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो 60 किलोमीटर दूर रामगढ़ से यहाँ पहुँची है, और जो वहाँ रुंगटा नाम के जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा जो यहाँ पर वहाँ पर जो उद्योग स्थापित किया गया है उनसे बहुत सारे प्रदूषण निकलते हैं, और हमारे गाँव के जो भी बच्चे हैं वहाँ के आसपास के 8-10 गाँव प्रदूषण से प्रभावित है, तो हम लोग मांग करते हैं कि वो ऐसा यंत्र लगाए जिससे वो प्रदूषण मतलब ना हो उस क्षेत्र में, उसके एवज में बोल रहे हैं कि हमको आपका जंगल चाहिए, लेकिन हमारा जल जंगल जमीन हमारा प्राण है। आप लोग किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या रामचंद्र रुंगटा से आप लोग मुलाकात किए इस समस्या को लेकर? जी हाँ, उनसे मुलाकात तो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है, लेकिन यह हमारा आंदोलन लगभग 5-10 सालों से चल रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को और से ध्यान होगा, लेकिन वो हमारे अगुवाई में नहीं आती है और पता नहीं फिर क्या हो। पद यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि महामहिम से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम हमारी बातों को सुने, सरकार के द्वारा तो हमारा बातों को सुना गया नहीं, अलग से कमीशन खाती है तो क्यों हमारी बात को सुनेंगे, वो उनको कमीशन मिल रहा है, आमने सामने के जितने भी विधायक आते हैं उन सबको कमीशन पहुँचा रहा है उनका फैक्ट्री, तो वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उसीलिए आज पूरा नारी शक्ति बोला जाए ना, नारी आधी शक्ति होती है, आज अपना भविष्य को ये लोग अंधेरा में मुसीबत संकट में देख के आज महामहिम के सामने भी बोला है कि हमारा न्याय हो, प्रदूषण मुक्त हो, हमारा वो जगह वहाँ का देखा, हमने भी देखा वहाँ जाके, वहाँ की जगह ऐसी है कि पानी तक प्रदूषित हो गया, आदमी को उसी को मजबूरन पीना पड़ रहा है। आप लोगों के साथ जयराम महतो भी है, अब क्या लगता है आप लोगों की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा? उम्मीद है, बड़े भैया जयराम भैया भी आए हैं, पूरा समर्थन दे रहे हैं अपनी ओर से, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पूरा है, नारी उठ के आई है, मतलब हम महामहिम से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा समस्या का समाधान करेंगे। तो एक बार हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि रामगढ़ से रांची पद यात्रा कर कई महिलाएं भी पहुंची है, कई लोगों के पैर में छाले भी हो गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो परेशानियों से हम लोग परेशान हैं उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर करना चाहिए, जिसको लेकर लगातार कई लोग नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके साथ खुद जयराम महतो आए हैं और इनकी समस्याओं को किस तरीके से दूर करना है इसको लेकर एक रणनीति भी तैयार की गई है। इनका कहना है कि रामचंद्र रुंगटा की ओर से एक कंपनी का वहां पर स्थापित किया गया था और उस कंपनी की वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है, एक बच्चे की मौत हो गई है कैंसर से, तो इनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार की ओर से अगर कोई पहल की जाएगी तब हम लोगों की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इनका कहना है कि राज्यपाल से हमें काफी उम्मीद है। तो लगातार जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये राजभवन के समक्ष की है, जहां पर पद यात्रा कर तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिला है वो यहां पर पहुंची है, रामगढ़ से रांची पद यात्रा कर पहुंची, और इनका कहना है कि अब हमको सरकार के साथ साथ राज्यपाल से काफी उम्मीद है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, Olympiads, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स, टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिप बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है, यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon,
एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।